गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 61, केस एंड चेक। व्हाट पार्ट ऑफ इच शेप इज कलर्ड। यहाँ पर नीचे कुछ शेप्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इस शेप का कितना पार्ट कलर्ड है। तो जैसे यहाँ पर जो ये शेप है, इसको बताने के लिए क्या करेंगे, तो इस तरह से इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देंगे। तो देखते हैं ये कितने टोटल इक्वल पार्ट्स में बट गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इक्वल पार्ट्स में बट गया और टोटल 1 पार्ट कलर्ड है और टोटल है 8, तो इसको लिखेंगे 1/8। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट शेप है, इसका कितना पार्ट कलर्ड है, तो इसको भी लाइन खींच करके इस तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे और देखेंगे। तो इसको जब इस तरह से मिलाते हैं, ये टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में बट जाता है, जिसमें से 1 पार्ट कलर है, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/6। आगे और इसी तरह कुछ क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से लाइन इसको मिला देंगे यहाँ पर। अब देखते हैं ये 9 इक्वल पार्ट्स में बट गया टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें से 2 पार्ट कलर्ड है और टोटल पार्ट 9 है, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 2/9। इसी तरह से इसको जब देखते हैं, इसको भी मिलाएंगे इसी तरह से लाइन से, तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इक्वल पार्ट्स में बट गया है, जिसमें से 4 पार्ट कलर्ड हैं, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 4/15। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। आगे है नीचे, अब है कलर्ड पार्ट्स। तो अब कलर्ड पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर कहता है कंप्लीट दीज, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर ये जो सर्कल है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं ये सर्कल है और बीचों बीच एक लाइन खींचा हुआ है, जिससे ये सर्कल 2 बराबर भागों में बट गया है, जिसमें से हाफ पार्ट ब्लू कलर से कलर्ड है और हाफ पार्ट दूसरे कलर से कलर्ड है। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। टोटल कितने पार्ट्स में से 1 पार्ट ब्लू है, तो आउट ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड है। इसी तरह यहाँ पर भी भरना है, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर सर्कल कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और उसके बाद है आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, डैश पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। कितने इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स ब्लू कलर से कलर्ड है, तो आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। यहाँ पर कॉपी में इसको बना देते हैं। ये है पहला नंबर, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। दूसरा नंबर में है, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में से 2 इक्वल पार्ट जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड है। उसके बाद जो सर्कल 6 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ था, इसको खुद से लिखना है, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर सर्कल 6 बराबर भागों में बटा हुआ है, आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। तो 6 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में, सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर सर्कल 8 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, एंड आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 4 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू, और 8 इक्वल पार्ट्स में से 4 पार्ट्स जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड है। सो वी कैन से दैट 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4, और 2/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6, और 3/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/8। इसको लिख सकते हैं ना, 1/2
दूसरे वाले को 2x4 ब्लू कलर के लिए, तीसरे वाले को क्या लिख सकते हैं 3x6, और ये फोर्थ सर्कल जो है इसको क्या लिख सकते हैं 4x8, ये सभी इक्वल है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 63, कटिंग द हलवा। रमेश बाउट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रेन अम्मू एंड अन्नू। रमेश अपने बच्चों अम्मू और अन्नू के लिए हलवा का एक टुकड़ा लाता है। ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम, और उसको अपने बच्चों में बराबर बराबर बांट देता है। हलवा का एक टुकड़ा लाता है और उसको बराबर बराबर बांट देता है। तो ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा, प्रत्येक को हलवा का कितना हिस्सा मिलेगा? तो प्रत्येक को हलवा का हाफ पार्ट मिलेगा। ईच विल गेट हाफ पार्ट ऑफ हलवा। दिस पीस इज टू बिग, वी कांट ईट इट, दे सेड। बच्चों ने कहा कि यह पीस अभी बहुत बड़ा है, हम लोग इसे नहीं खा सकते हैं। सो ही डिवाइडेड द पीसेज इन टू हाफ अगेन, तो इसीलिए उसने उन पीसेज को फिर से हाफ पार्ट में बांट दिया। नाउ हाउ मेनी पीसेज विल अम्मू गेट, तो अब टोटल एक हलवा था पहले, उसको दो बराबर भागों में बांटा और उन दोनों को भी उसने हाफ हाफ पार्ट में बांट दिया, तो टोटल फोर पार्ट हो गया। तो अम्मू को कितना मिलेगा? नाउ हाउ मेनी पीसेज विल अम्मू गेट, तो अम्मू को अब कितना पीस मिलेगा? टू पीस मिलेगा। व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज इट, तो ये दो पीस हलवा का कितना हिस्सा हुआ? तो ये टू, और टोटल कितना हो जाएगा? फोर। टू पीस मिलता है अम्मू को और टोटल है फोर, तो ये कितना पार्ट हो गया? 2x4, या इसी को काटेंगे तो कितना आएगा? 1x2। तो ये भी हलवा का हाफ पार्ट ही हुआ। मेक इट इवन स्मॉलर डैड दे आस्क, उन्होंने बच्चों ने कहा कि इन्हें और छोटा कर दीजिए। सो ही अगेन कट द हलवा इन टू स्मॉलर पीसेज, तो बच्चों के पिताजी ने, रमेश ने उसे और भी छोटे छोटे पीसेज में बांट दिया। प्रत्येक चार भाग में पहले से बटा हुआ था, उसको और हाफ हाफ पार्ट में बांट दिया, तो टोटल 8 पीस हो गया। नाउ हाउ मेनी पीसेज विल ईच गेट, अब प्रत्येक को कितना पीस मिलेगा? तो अब प्रत्येक को कितना पीस मिलेगा? 4, 8 पार्ट है ना, 8 पार्ट में बट गया, तो प्रत्येक को 4-4 पीस मिलेगा। व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज ईच पीस, नाउ हलवा का प्रत्येक टुकड़ा हलवा का कितना हिस्सा है? तो हलवा का प्रत्येक टुकड़ा मतलब 1x1 और टोटल 8 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 1x8, हलवा का प्रत्येक टुकड़ा हलवा का 1x8 पार्ट है। आगे, इफ रमेश हैड कट द हलवा इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी पीसेज वुड ईच हैव गॉट, अगर रमेश ने हलवा को 6 बराबर भागों में बांटा होता तो प्रत्येक को कितना पीस मिलता? तो प्रत्येक को कितना पीस मिलता? तो 3 पीसेज मिलते। अब इसको कंप्लीट करना है, 1x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x4, 2x4 3x6, 2x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x6, 3x6 इक्वल टू 4x8, 4x8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x10, 5x10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x12। तो इस तरह से इस टेबल को क्या करना है? कंप्लीट कर देना है। थैंक यू।